बिहार के एटीएम बाबा गैंग की यूपी में एंट्री। 15 मिनटों में एटीएम से उड़ा डाले 39.56 लाख रुपए। गैंग का सरगना और पंचायत में मुखिया पत्नी फरार। बिहार के एटीएम बाबा गैंग के बदमाशों ने राजधानी लखनऊ में बीते दिनों बड़ा हाथ मारा। बताया जाता है कि बदमाशों ने एटीएम से करीब 39.56 लाख की लूट की। इस पर यूपी पुलिस की 5 टीमों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरोह पर बड़ी सेंधमारी की है। सुशांत गोल्फ सिटी थाने की पुलिस ने सरगना के भाई समेत 4 बदमाशों को दबोच लिया है। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के पास से 9 लाख रुपए, वारदात में इस्तेमाल कार और बाइक समेत अन्य सामान बरामद किया। इस पर पुलिस कमिश्नर ने पुलिस टीम की सराहना करते हुए 10,000 रुपए का इनाम दिया है। जो सुधीर मिश्रा है, ये इनकी पत्नी थोड़ी बहुत राजनीतिक पृष्ठभूमि की है और उनके हर काम में सहायता करती है और हम लोग को संदेह है कि अभी तक हम लोग के पास जो लोग अभी फरार हैं, उनको हो सकता है उनके द्वारा ही शरण दिया गया हो एवं वो भी इस प्लानिंग में शामिल रहे हो। ये सारी चीज जो है जब शेष अभियुक्त पकड़ में आएंगे तभी क्लियर हो पाएगा। शातिर चोरों ने बचने के लिए एटीएम बूथ में लगे सीसीटीवी कैमरों पर ब्लैक पेंट का स्प्रे मारा था। छानबीन में सामने आया कि चोर कार में सवार होकर आए थे, इनमें से एक महिला भी शामिल थी। पूछताछ में खुलासा हुआ कि गैंग का सरगना छपरा के मोहब्बत परसा निवासी सुधीर मिश्रा उर्फ चुलबुल मिश्रा उर्फ एटीएम बाबा है, जो युवाओं को एटीएम तोड़ने की ट्रेनिंग देता है। वारदात में उसकी पत्नी और पंचायत मुखिया रेखा मिश्रा भी शामिल थी। पुलिस का दावा है कि मुखिया होने के बावजूद रेखा हर वारदात में शामिल रहती है। बताया जाता है कि चोरों ने एटीएम में सेंध लगाने के लिए 2 माह तक रेकी की थी। हालांकि अब तक सरगना, उसकी पत्नी और कई अन्य बदमाश फरार चल रहे हैं।